अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। वेलकम टू माई चैनल जेनेरिक वर्ल्ड। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या हमने डेफिनेशन के रूल को यूज़ करते हुए किस तरीके से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसी भी फंक्शन का। उससे मैंने आपको रिमेनिंग क्वेश्चन जो थे 2.1 के, वो आपको सोल्व करने का कहा था। ठीक है, आई होप कि वो आपसे सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। नेक्स्ट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं जो कि आपके एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 में यूज़ होंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। आज का ट्यूटोरियल हमारा 3 है, बायनोमियल थ्योरम। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में ये जो आपकी टिप है, जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो यूज़ होगा, जिसमें सबसे पहले ये है कि आप लोग जो हैं वो बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करने को प्रेफर करें। बायनोमियल थ्योरम होता क्या है कि आपके पास 1+x की पावर n मौजूद होती है, जिसमें आपने करना क्या होता है कि 1 फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है और जो पावर है वो x के मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे हो जाएगा n(n-1/2)x² आपके x की पावर स्केयर में चेंज हो जाएगी और n के साथ एक n-1 का इंक्रीज़ हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 है, लेकिन 1 के इक्वल ही होगा, तो इस वजह से यहाँ पर राइट नहीं किया गया। नेक्स्ट है +(n(n-1)n-2)3), और इसी तरह से x³ आ जाएगा और आगे के स्टेप बिल्कुल सेम इसी तरीके से इंक्रीज होते जाएंगे इन्फिनिटी तक जाने के लिए। जैसे कि थर्ड स्टेप, इससे नेक्स्ट स्टेप होगा (n(n-1)n-2)n-3)4 और फिर x⁴ आ जाएगी। तो आप जितना चाहे इसको इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो आप 4 तक जाएं या 3 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको जो है वो क्लियर क्वेश्चन का पता चल जाएगा कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट ये है कि द मेथड ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन इज आल्सो कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो और फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसे कि हमने डेफिनेशन रूल को स्टडी किया है लास्ट लेक्चर्स में, तो हमने जो है वो ये भी स्टडी किया था कि आपका जो डेफिनेशन रूल है वो एब इनिशियो मेथड भी कहलाता है, और मतलब कि थर्ड नेम जो है वो इसके लिए यूज़ होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो है वो 2.2 जो एक्सरसाइज है और 2.1 एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है, वहाँ पर उन्होंने यही मेंशन किया हुआ है कि आप जो है वो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है वो सॉल्व करें। एक्सरसाइज 2.2 का तो मुझे कंफर्म है ना कि उन्होंने कहा हुआ है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है वो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे जिस तरह से आपने एक्सरसाइज 2.1 जो है वो सॉल्व किए। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 है। अब एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजिंग है, बस बहुत ही माइनर सी, बकाया बिल्कुल सेम है। जैसे एक्सरसाइज 2.1 को आपने सॉल्व करना है, वैसे ही आपने एक्सरसाइज 2.2 को भी सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं 3t+2 की पावर -2 और यहाँ ag-b की पावर 7। अब यहाँ पर क्या है कि आपका लास्ट जो हमने क्वेश्चन देखे थे वहाँ पर जो है वो वेरिएबल x मौजूद था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेरिएबल आपका t मौजूद है। तो आपने जो वेरिएशन देनी है ना इसमें (x) की बजाय (t), यानी आप राइट क्या करेंगे, 3 (t+2) लिखेंगे (t+2)-2, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। और z के लिए आप क्या करेंगे, (z)(z) लिखेंगे, यानी कि पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व किया था और अब इनको जो वेरिएबल गिवन है उसके रिस्पेक्ट से जो है उसको सॉल्व करेंगे। t को
टी के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे और जी को जी के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से मुख्तलिफ हो सकते हैं आपके पास वेरिएबल, तो आपको जो गिवन होगा उसके मुताबिक आप जो है वो उसको यूज़ करते हुए उसके रिस्पेक्ट से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने यही मेंशन किया हुआ है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आप डेल टी फॉर टी टी के लिए आप इस्तेमाल करेंगे और डेल वी जो है वो जी के लिए यूज़ करेंगे। और इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू यूज फर्स्ट प्रिंसिपल मैथड, ये भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। इफ़ अ मैथड इज़ मैंशन इन द क्वेश्चन यू मस्ट सोल्व द प्रॉब्लम यूजिंग दैट मैथड। मतलब आपको पेपर्स में या एग्जाम्स में या कहीं पर भी अगर ये मैंशन हो कि आपने ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है या आपने अपनी इशू मैथड से करना है या फिर आपने डेफिनेशन रूल से करना है, जो चीज़ भी आपको मेंशन हो इन तीनों में से, तो आपने सॉल्व इसको बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे आपने डेफिनेशन रूल को यूज़ किया था। लेकिन वहाँ पर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आप ऐसे कह सकते हो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मैथड या बाय यूजिंग अनिशो मैथड, ताकि आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल आपके क्वेश्चन के मुताबिक हो जाए। क्लियर है? आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं, मैं आपकी वो प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।